घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। अभी केंद्र सरकार ने प्याज पर निर्यात जो ड्यूटी हटा मतलब उसको लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिया निर्यात पे, तो इससे मंडियों में भाव अचानक गिर गए। प्याज के 10-15 रुपए किलो हो गए, जबकि यही प्याज पिछले 10 दिन पहले 50 रुपए किलो थी। पर लेकिन 10 दिन से लगातार बारिश के कारण जो किसानों की प्याज की फसल आ गई थी, किसान निकाल भी नहीं पाए। जब उसकी फसल प्याज जो उसने निकाला या खेत में उखाड़ के रखा है, तब से उसकी कीमत 50 रुपए थी। आज उसने बारिश के कारण खेत में से प्याज जैसे तैयार करके मंडी ले जा रहा है, तो वही प्याज की कीमत 10 रुपए हो गई। पिछली सोयाबीन की फसल खराब हो गई, सरकार ने इसके पहले 40% ड्यूटी लगाई, फिर 66% लगाई, उसका भी हमने विरोध नहीं किया। लेकिन आज जो प्याज पे मतलब एकदम प्रतिबंध किया है निर्यात, उससे किसानों की कमर टूट गई है। सरकार को हम चेतावनी देना है कि आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आप किसानों को इस प्रकार से परेशान न करें, क्योंकि उसके परिणाम में तो वहां भी आपको देखने को मिलेंगे। आपकी कुछ पॉलिसियां ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि आप किसानों के लिए कोई फैसला ले लें और हम उसको बिल्कुल सर आंखों पे ले लें। आपको ये प्याज पे जो निर्यात लगा इसको हटाना पड़ेगा, और या फिर किसानों को 1 लाख रुपए एकड़ की लागत लगी है प्याज पे, या तो आपको तत्काल किसानों को राहत राशि देनी पड़ेगी। तो यही मैं सरकार से मांग है कि किसानों की जो समस्या है उसका तत्काल निराकरण किया जाए। आज हमने देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, हम कलेक्टर साहब से यही निवेदन करेंगे, हमारा ज्ञापन तत्काल सरकार तक पहुंचाया जाए और हमारी समस्या को निराकरण किया जाए। नहीं तो अगला आंदोलन जो होगा वो या तो किसी हाईवे पे होगा या किसी रेलवे ट्रैक पे होगा। मेरा नाम सुभाष पटेल है, भारतीय किसान संघ जिला उपाध्यक्ष। सर, एक तो प्याज को निर्यात की एकदम से सूचना मिली हमको कि प्याज का निर्यात रोक दिया गया है, इस कारण किसानों में खलबली मची, इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, तो इस माध्यम से प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया। और पुनासा तहसील में जो कपास पिछले टाइम में जो अधिक वर्षा के कारण खराब हुआ था और तूफान के साथ भी खराब हुआ था, तो उस समय पे कलेक्टर महोदय भी पहुंचे थे पुनासा तहसील में। उसके बाद में राहत राशि अभी तक भी एक भी किसान को नहीं मिली है पुनासा में कपास की, उस समय में हमने दिया है। और 4-6 रोज की बात की है कि साहब को मतलब कि वो देखे और तत्काल मतलब राहत राशि प्रदान करे कपास की, नहीं तो भारतीय किसान संघ को मजबूर होकर कुछ धरना आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। नुकसान तो क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, कपास की खेती महंगी खेती होती है, उसमें क्या है कि वो दिखता भले ही ऐसा फुरपुर लेकिन उसमें काकड़ा नहीं बना, बीज नहीं बना, कम से कम वो 70% कपास खराब हो चुका था। तो साहब लोग भी पहुंचे थे, वहीं पे गए थे, आप लोगों को भी ध्यान में है, जब का एक वीडियो भी है उनका, उसके बाद में भी आज तक कपास की फसल का किसी प्रकार का मुआवजा राशि आज तक नहीं दिया गया है। तो पुनासा तहसील के किसानों में भारी आक्रोश है, चुनाव में भी आपको देखने को मिला होगा, और भी फिर आगे पार्टी उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति यही रहेगी कि भारतीय किसान संघ को मजबूर होकर कोई धरने आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। राधेश्याम चाचरिया, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष, जिला खंडवा। नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण, और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी, खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ, और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के